ठीक है, बहुत मजा आया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। बोलो हेलो दोस्तों। वेलकम बोलो। तो आज आप लोग देख रहे होंगे ब्लू ब्लू, उसका भी ब्लू, सब ब्लू ब्लू है। तो कुछ खास होने वाला है, आप लोग बने रहिएगा वीडियो में, दिखाते हैं आप लोग को। अब हम लोग जा रहे हैं किसने कहा है प्यार जिंदगी का एक पन्ना है और माँ जिंदगी की एक पूरी किताब। अगर कभी जरूरत पड़े तो पन्ना फाड़ देना, लेकिन किताब कभी मत खोना। एक माँ परिवार को बना और बिगाड़ भी सकती है। एक पत्नी ससुराल की स्थिति जितनी भी बुरी क्यों ना हो, उसको अपने धैर्य एवं प्रार्थना में जीवन से बदल सकती है। इसका उदाहरण संत मोनिका, सभी माताओं की संरक्षिका एवं आदर्श। उसने जाते जाते अगस्त्य से कहा कि वह उदास ना हो, बल्कि जब वह पुरोहित बनकर वेदी पर ईश्वर के लिए बलि चढ़ाए, तब अपनी माँ को उस वेदी पर जरूर याद रखे। यह सब कहते हुए मोनिका इष्ट पिता के गोद में समा गई और इसी माँ के त्याग, समर्पण, धैर्य और प्रार्थना में जीवन को देखते हुए कैथोलिक कलीसिया 27 अगस्त को संत मोनिका के पर्व के रूप में मनाती है। धन्यवाद। और मैं अब आग्रह करना चाहूँगा हमारे बहनों से कि वे स्वागत की जाए।
रुको रुको, अरे बाबू ले पकड़, मम्मी को देना जा।
जाओ जाओ जाओ, एक राउंड जाओ, सब जाइए जाओ, उठाओ जाओ, आप लोग जाओ। अपनी खुशी व्यक्त करते हुए माताओं के लिए इतना अच्छा गाना गाया, इतना अच्छा डांस किया और इतना अच्छा स्वागत किया, सभी माताओं की ओर से पुनः एक बार धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से माता पिता की आज्ञाओं का पालन करते रहिए और सभी यीशु से जुड़े रहिए, और जिस तरह से संत मोनिका अपने बच्चों को निरंतर सही रास्ते पर चलाने के लिए प्रार्थना करती रही, वैसे सभी माताएं अपने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती हैं। आप लोग कम से कम अपनी अपनी माताओं की, अपने अपने पिताओं की भावनाओं को समझिए और भावना को समझते हुए प्रभु के मार्ग पर निरंतर चलते रहने के लिए अपना प्रेरणा प्राप्त कीजिए। मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। क्या बांट रहे हैं बताओ, छोले भटूरे इसी क्रम मैडम लोग इधर कुछ बांट रहे हैं, दलिया सत्तू ट्विंस बताओ यहाँ हमारे माताएं अल्पाहार का आनंद लेते हुए खाते हुए पेड़ों की छाया में खाते हुए मजे ले रहे हैं। पानी ला दो बच्चों, कैसा लगा? ठीक है, बहुत मजा आया। और क्या मनाया? मोनिका डे, मोनिका डे, मोनिका दिवस।